हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि व्यू थोड़ा सा बेरिश है, और आज मैंने कुछ कॉल शॉर्ट किए थे बिकॉज एक्सपायरी डे था इसीलिए, और ऊपर भी गया. ऊपर भी मैंने कुछ एवरेजेस किए थे क्योंकि 22,000 आज भी देखो आप बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं किया है, और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि शॉर्ट की तरफ अगर आपको ध्यान देना है तो बैंक निफ्टी में ज्यादा ध्यान देना है. निफ्टी में मैं शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है. मैंने आपको क्लियरली बताया भी था, बैंक निफ्टी में मैंने कुछ कॉल शॉर्ट किए थे. 22,000 जब क्रॉस नहीं हुआ और वापस गिरने लगा तो मैंने कॉल की क्वांटिटी और बढ़ा दी. तो कुछ कॉल शॉर्ट्स थे मेरे, उसमें मुझे इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना. अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. सो मैंने आपको क्लियरली बताया, वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि 22,000 क्रॉस नहीं करता जब तक बैंक निफ्टी, तब तक आपका व्यू बुलिश नहीं होना चाहिए. आज भी अगर आप देखो 21,950 का हाई बना के वापस गिरा है और क्लोजिंग 21,600 के आसपास दिया है. अब कल के सेशन में भी हम देखेंगे, अगर कल के सेशन में 22,000 क्रॉस होता है तो व्यू बुलिश होगा. 22,000 के नीचे ही अगर है और 21,400 21,350 एक लेवल है, 2 दिन का लास्ट 2 दिन का लो वही है. अगर 21,350 400 भी टूटता है तो नीचे में 20,600 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं. तो 700-800 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर 21,400 लेवल टूटता है तो व्यू अभी भी कॉशियस है और बेरिश ही व्यू है बैंक निफ्टी में. निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज है, निफ्टी में 11,200 के ऊपर क्लोज हुआ है. सो थोड़ा सा बुलिश टू साइडवेज व्यू हो जाएगा निफ्टी में. बट निफ्टी में भी 11,350 11,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 11,200 के ऊपर जब तक है तब तक थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश व्यू हो सकता है. सो निफ्टी में मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला. बैंक निफ्टी में मेरा फोकस है वो भी शॉर्ट के तरफ. सो ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्साइड इंडस्ट्रीज सेल दिया था 153 के नीचे. ये 153 के नीचे गया ही नहीं तो इसमें सेल ट्रिगर ही नहीं हुआ है. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में मैंने सेल दिया था 256 के नीचे. 256 के ये नीचे गया और उसके बाद तुरंत ऊपर गया है, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में. एंड टीवीएस मोटर मैंने आपको बाय दिया था, इसमें डेफिनेटली काफी अच्छा पैसा बना होगा. अगर आप देखो क्लोजिंग में भी ये ब्रेकआउट पे एकदम हाईएस्ट प्राइस पे क्लोज हुआ और क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट भी दिया इसने. सो टीवीएस मोटर मैंने सीएनबीसी आवाज चैनल पे भी रेकमेंड किया था, आपने अगर खिलाड़ी नंबर वन शो देखा है तो. और ये मेरा ओपन पोजिशन है, 470 का मैंने इसमें टारगेट दिया हुआ है. सो अभी भी मेरा व्यू इसमें बुलिश है और मुझे लगता है यहाँ से 450 टू 470 इजिली जा सकता है ये. सो ये पोजिशनली भी काफी अच्छा बाय रहेगा. अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है. सो सबसे पहला स्टॉक होगा अपोलो टायर. अपोलो टायर मुझे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप लग रहा है बाइंग के लिए. अगर आप देखो ये बार बार ये लेवल टेस्ट कर रहा है 118-119 का. एक बार ये लेवल क्रॉस होता है तो मुझे लगता है 7-8 रुपए का आपको हमें देखने को मिल सकता है. सो अपोलो टायर काफी अच्छा बाय रहेगा 119 के ऊपर. कौन से लेवल पे एग्जैक्टली बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट स्टॉक होगा लुपिन. लुपिन भी काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी रेंज में था ये, ठीक है, पूरा कंसोलिडेशन हुआ है और मुझे लगता है जैसे ये 950 क्रॉस कर लेगा तो एक बड़ा आपको हमें देखने को मिल सकता है. ये भी मैंने सीएनबीसी आवाज पे बाई दिया हुआ है और इसमें मैंने टारगेट काफी बड़ा दिया है, 1100 का टारगेट दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज है और मुझे लगता है अगर 950 के ऊपर निकलता है एक 10-15% का आपमूव हमें देखने को मिल सकता है. सो 950 के ऊपर काफी अच्छा बाय रहेगा तो लुपिन में आप ध्यान दे सकते हो कल के सेशन में. एंड लास्ट स्टॉक होगा एमएफएसएल. एमएफएसएल मुझे स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव लग रहा है. अगर आप देखो ये क्लीन एंड क्लियर ट्रेंड लाइन भी इसने तोड़ दिया है और ये लेवल पे इसने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, वापस उसी लेवल के आसपास है. आज भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन वापस गिर गया. जैसे ये लेवल टूटेगा तो मुझे लगता है इसमें भी एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है. तो एमएफएसएल पे आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है. कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने कौन से स्टॉक में ट्रेड लिया और आपने क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. एग्जैक्टली अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, खाली आप प्रॉफिट या लॉस लिखोगे तो भी चलेगा. अगर वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो.